यहाँ पे मुझे भाई मिले हैं जिनका ताल्लुक राजस्थान इंडिया से है। आपका नाम भाई? मैं भाई से बोलना चाहूंगा कि कभी राजस्थान का भी आप करिए, बिल्कुल आएंगे। और ये भाई आपके लिए एनी टाइम राजस्थान में तैयार है, जब भी आप आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं राजस्थान में आकर के। यहाँ पे हिंदू गॉड गणेशा का भी स्कल्पचर है, व्हिच इज द एलिफेंट स्कल्पचर। ये मैं हूँ, ये टाइगर है। और कुछ कहने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाउ ओल्ड इज ही? 3 3 years. Very big for 3 years. People in Pattaya like to wear less clothes, right? Less. और मैं हूँ तानी, और आज हम लोग मौजूद हैं थाईलैंड के एक ऐसे शहर में जिसको दुनिया में सिन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई हम बात कर रहे हैं पताया की। जिन लोगों ने नाम सुना है पताया शहर का, वो बखूबी वाकिफ होंगे कि पताया जो है पार्टी करने की बेहतरीन जगह है। लोग यहाँ पे दूर दूर से, और यहाँ के लोकल जो है वो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि यहाँ पे पार्टी करें, नाइट लाइफ यहाँ की इंजॉय करें। लेकिन आपको पता है इमी और तानी की पार्टी का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा मुनफरद होता है। हम उस तरह की पार्टी तो नहीं करते, लेकिन हम दूसरी किस्म की पार्टी करते हैं आप सबके साथ। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, नहायत मुनफरद होने वाली है। तो आज हम एक सबसे यहाँ के फेमस टेम्पल/म्यूजियम को विजिट करेंगे, कॉल्ड सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स बिकॉज ये एक आयुधाई इंस्पायर्ड जगह है एंड इट इज एक्चुअली अनफिनिश्ड। उसके साथ साथ हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे टाइगर्स के साथ, अप क्लोज एंड पर्सनल। जो टाइगर्स यहाँ पे रहते हैं दे आर बोर्न एंड ब्रेड राइट हियर। और अपना दिन हम फिनिश करेंगे यहाँ की सबसे फेमस नाइट मार्केट में। और भाई थाईलैंड की नाइट लाइफ और यहाँ का जो मार्केट कल्चर है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। थाईलैंड में जो लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर्स हों, टूरिस्ट हों, यहाँ के लोकल्स हों, यहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर किए बगैर उनका जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो पूरा नहीं होता। तो इसीलिए हम रुख करेंगे पताया में लगने वाली खूबसूरत सी नाइट मार्केट का भी। तो शुरू करते हैं ये मजेदार ब्लॉग एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक जरूर करना है वीडियो को। लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। थोड़ा सा रश है लेकिन टैक्सी अच्छी बड़ी वाली मिल गई है। तो हमारे होटल के बिल्कुल नीचे ही टैक्सी मिल गई थी हमें, और हम लोग बैठ गए टैक्सी में। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, जो यहाँ का टेंपल है, और वो बिल्कुल समंदर के साथ बना हुआ है। तो हम सेंचुरी ऑफ ट्रूथ पहुंच चुके हैं, और तानी और मेरी टिकट 500 बाद ईच की थी एंड इनारा वॉज फ्री। अब हम ये करेंगे, वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड व्यू पॉइंट, और वहाँ से एक पूरा टूर जाएगा। और तकरीबन 5 या 6 दफ़ा दिन में टूर्स जाते हैं यहाँ से। यू कैन एक्चुअली विजिट इट बाय इटसेल्फ, आपको टूर लेना ज़रूरी है टू एंटर इट। तो हमारा टूर तकरीबन 10 मिनट में शुरू होने वाला है, और आगे देखें रश भी हो गया है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो गाइड हैं वो पूरी हिस्ट्री बताते हैं इस टेंपल के बारे में, कि किस तरह से ये टेंपल जो है वो तामीर हुआ था और क्या वजूहात बनी थी, और ये टेंपल के ऊपर जो चीज़ें नज़र आती हैं जैसे जो आइडल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, उनका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए और एंटर होने वाले हैं। अच्छा, तो शॉर्ट सा उन्होंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था इस टेंपल के बारे में, मेन एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे हम लोग लाइन बना के खड़े हुए थे। और वहाँ से जैसे ही हम कुछ सीढ़ियाँ लेके नीचे उतरे तो वहाँ पे उन्होंने हमें ये हेलमेट जो है वो पहना दिया है। इनाया, इम्तिसाल, मैंने, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो टेम्पल विजिट करने आता है उसको ये हेलमेट पहनना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि टेम्पल की तामीर जो है पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई थी आज तक, ये टेम्पल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसी वजह से जो है ये हेलमेट पहनना नहायत ज़रूरी है। पास कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक यहाँ लोग बैठ के वुडन कार्विंग कर रहे हैं और स्कल्पचर्स बना रहे हैं, एंड इधर इतने सारे लोग लगे हुए हैं। और 1981 से स्टार्ट हुई थी इस जगह की तामीर, लेकिन अभी तक ये लोग लगे हुए हैं एंड देर आर लाइक अमेजिंग डिफरेंट आइडल्स हियर। तो इस टेम्पल की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ एक्चुअली मेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वुड्स,
और वो सारी थाईलैंड की वुड नहीं है, अलग अलग जगहों से वो आई हैं जस्ट टू मेक दिस ब्यूटिफुल थिंग बिहाइंड अस। उसके साथ साथ 170 अलग अलग पिलर्स हैं खड़े हुए जस्ट टू कीप ऑल द स्कल्पचर्स बैलेंस्ड। अच्छा तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के बारे में एक फन फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, और वो ये है कि ये जो पीछे आप लकड़ी का काम देख रहे हैं पूरा टेम्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बना है। और मजेदार चीज ये है कि ये लकड़ी का कलर जो है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, जैसे कौसे कजा होती है, जैसे रेनबो होती है उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, उसी तरह से जब सूरज की शुआएं इसके ऊपर पड़ती हैं तो वक्त के साथ साथ इस लकड़ी का जो रंग है वो चेंज होता रहता है। और इसी वजह से ये एक मुनफरिद लैंडमार्क और मॉन्यूमेंट बन गया है न सिर्फ पताया में बल्कि पूरे थाईलैंड में, और इसीलिए दूर दूर से लोग सिर्फ ये टेम्पल जो है वो विजिट करने आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेंपल एक्चुअली हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो यहाँ का एक मेन गॉड जिसका स्कल्पचर इन्होंने बनाया हुआ है इज द फोर फेस्ड गॉड कॉल्ड ब्रह्मा। दे एक्चुअली बिलीव के चार मुंह उसके इसलिए हैं बिकॉज इट शोज रिस्पेक्ट टू द मदर, द फादर, द टीचर एंड द किंग। उसके साथ साथ यहाँ पे हिंदू गॉड गणेशा का भी स्कल्पचर है विच इज द एलिफेंट स्कल्पचर राइट अबाउट अस। टेम्पल ऑफ ट्रूथ को कैसल भी बुलाते हैं एंड देयर इज नो डाउट इट इज जस्ट लाइक अ कैसल फ्रॉम इनसाइड। और ये कैसल पानी को फेस करता है। द ऑर्नामेंटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम थाई, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड चाइनीज कल्चर्स। अब ये जो है टेम्पल इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल्स ऑफ अयोध्या, और इसीलिए ये बहुत यूनिक वे में बना हुआ है। अच्छा तो मेरे पीछे इस वक्त जो आप ये आलीशान और शानदार किस्म का हॉल देख रहे हैं, इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और वो ये कि ये हॉल जो है वो इंसानी बराबरी यानी ह्यूमन इक्वालिटी की ट्रू रिप्रेजेंटेशन यानी सही मायनों में अक्कासी करता था। तो अगर मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं तो वो ये कि उस दौर के जो लोग थे उनका सिर्फ और सिर्फ एक बात पे पक्का यकीन था, और वो ये कि भले आप जितने भी अमीर हों, गरीब हों, किसी भी मज़हब की इबादत करने वाले हों, हम सब जो हैं वो सिर्फ चार एलिमेंट से तख्लीक किए गए हैं, और वो चार एलिमेंट्स जो हैं वो विंड, अर्थ, फायर और वाटर है। इसी के साथ ये वाली महफिल दरख्वास्त होती है, चलते हैं टाइगर पार्क। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद ग्रैब हमने यहाँ पे बुलवा ली है, यहाँ से हम जा रहे हैं टाइगर पार्क की तरफ। आ जाए तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ से टाइगर पार्क तक का सफ़र जो है वो आधे घंटे का था, और बहुत आरामदेह सफ़र था। एसी चल रहा था, बाहर बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, और गाड़ी के अंदर फुल एसी ब्लास्ट पे लगा हुआ था। हम लोग पहुंच गए, अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं यहाँ से। तो इस वक्त हम लोग टाइगर पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि टाइगर्स जो हैं वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो सीन कुछ ये है कि अभी हमने टिकट खरीद लिया है। पहले हमारा प्लान ये था कि हम जो है वो जो बेबी टाइगर का इंक्लोजर है वहाँ पे जाएं, क्योंकि जाहिर है इनाया जो है वो नहीं जा सकती बड़े वाले टाइगर्स के इंक्लोजर में। 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बड़े वाले टाइगर के इंक्लोजर में नहीं जा सकते, वो सिर्फ जो है जहाँ पे बेबी टाइगर्स हैं या स्मॉल कब्स वाला जो इंक्लोजर है वहाँ पे जा सकते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। तो वैसे इनिशियली प्लान हमारा ये था कि हम तीनों स्मॉल टाइगर्स वाले इंक्लोजर में जाएं, बट तानी यहाँ एक्साइटेड हो गया एंड ही वाज लाइक आई रियली प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया है हमने। जहाँ पे बेबी टाइगर्स रखे हुए वहाँ पे इनाया और इम्तिसाल जाएंगे, और मैं जाऊँगा बड़े वाले टाइगर के सेक्शन में, क्योंकि अब जाहिर है आए हैं तो एक दफ़ा देखना बनता है। तो इम्तिसाल आप लोगों को अपने तरीके से दिखाएगी कि जो बिल्कुल छोटे टाइगर्स होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, और मैं आप लोगों को अपने स्टाइल से दिखाऊंगा कि बड़े टाइगर जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, मेरी तरह रहते होंगे। तो चेक करते हैं अंदर चल के। सो द टिकट प्राइस इज 650 baht स्मॉलेस्ट टाइगर के लिए भी और बिगेस्ट टाइगर के लिए भी। द चीपेस्ट टिकट इज एक्चुअली लाइक द सफारी टूर, लेकिन उसमें आप अप क्लोज एंड पर्सनल नहीं होते, एंड दैट वन इज 350 baht एंड लेट्स गो इनसाइड। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे यार इंशाल्लाह। बाय। बिग टाइगर वाले इंक्लोजर में आ गया हूँ, और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छे खासे 10-15 टाइगर्स होंगे बड़े साइज़ के। तो ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी का पहला इनकाउंटर है जिसमें मैं इतना अप क्लोज जाऊँगा टाइगर्स के। तो देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे अभी बताया यहाँ पे कि मैं पैट नहीं कर सकता, सिर्फ पीछे वाला जो एरिया है
टेल और ये जो बैक वाला जो एरिया यहाँ पे हाथ लगा सकता हूँ, उसके आगे जो है वो मैं वैसे भी नहीं करूँगा। सर पे हाथ नहीं फेर सकता, मुंह के पास नहीं लेकर जा सकता हाथ, और स्टाफ को मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पे भाई जो हैं वो मुझे बुला रहे हैं, तो नो भाई मुझे यहाँ पे लेके जा रहे हैं टाइगर के पास। और ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना अप क्लोज आया हूँ टाइगर्स के। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये है ये मैं हूँ, ये टाइगर है। और कुछ कहने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। I've never ever touched a tiger before. My first time. How old is he? Three. Three, yeah. 3 years. Very big for three. What's his name? Makrang. Makrang. Was he born here? They born here. Born here. Big in size. Yeah. So, maybe, yeah. Yes. Yeah, you can. I can? Yeah. Come closer. Yeah, your name. How long have you guys been working here with them? Me? Yes. How long? Well, in here. 6 years. 6 years. तो यहाँ पे जो भाई हैं जो केयर टेकर हैं उन्होंने मुझे बताया कि दोनों जो हैं वो बहनें हैं और दोनों की उम्र जो है वो 3 साल है और यहीं पे ये इसी हैबिटेट में रहते हैं। जाहिर है ये वो वाले टाइगर्स नहीं हैं जो जंगल में बड़े होते हैं या पैदा होते हैं और वहाँ पे दूसरे जानवरों के इर्द गिर्द रहते हैं। ये यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे इनका ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे जाहिर है मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन इनका ज़्यादा है, तो इसलिए काफ़ी टेम्ड हैं और काफ़ी ट्रेंड हैं। और यहाँ मेरे पीछे जो है वो कुंग नांग है। तो भाई ने बताया मुझे कि ये फीमेल टाइगर है, ये जो है ये भी 3 साल की है। और ये दोनों बहनें जो हैं वो यहाँ पे कॉम्पाउंड सा इंक्लोजर सा बनाया हुआ है, पानी भी है यहाँ पे, उन्होंने दरख्त वरख्त भी लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल फील देने की कोशिश की है इस पूरे इंक्लोजर को, ताकि उनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो कहीं किसी पिंजरे में कैद हैं। तो पहला मेरा ये इतना अप क्लोज इनकाउंटर था टाइगर्स के साथ, बहुत मज़ा आया है। अब देखते हैं कि इम्तिसाल और इनाया जो हैं वो कितना इन्जॉय कर रहे हैं बेबी टाइगर वाले इंक्लोजर में। Finally going inside. Sawadee ka, to meet the baby tigers. So ye wala khoobsurat tiger, he is just 2 months. और ये अभी से इतना पे आ रहा है। एंड दे हैव अ रियल एनिमल इंस्टिंक्ट, लाइक इनको पता होता है कि अगर मतलब कोई चीज़ को थ्रेटन कर रही है या कुछ भी ऐसा। Two hands, Dinaya. So that was literally the best moment of my life. Like, itna maza aaya mujhe play karke baby tiger ke saath. And they were like really gentle, but they were still fierce. Like, they're still animals and they're still tigers. So aapko pata hota hai ki unme ek animal instinct hai abhi tak. And the way they were playing, they still had teeth. I don't know why I thought they wouldn't have teeth, because jo insaan ke bachche hote hain, unke daant nahi hote when they're newborns, right? These baby tigers are 2 months and they've got full teeth. This was definitely a once in a lifetime experience. Like, even agar aap safari mein jao, you cannot get this up close and personal with these cats. Lekin yeah, I'm so happy. Aur Tani ne to like alag level ka maza kiya hai. I can't even imagine what he did, because the big tigers hamare bilkul samne, they are massive. I'm like proper scared of them. टाइगर पार्क के एडवेंचर के बाद हम तीनों को बहुत शदीद भूख लग गई थी और हमने एक हलाल रेस्टोरेंट का एड्रेस लगाया हुआ था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे बंद हो चुका था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन का या कुछ ऐसे ही। तो फिर हमें रोड साइड पे मतलब इधर पेट्रोल पंप पे रश नज़र आया एंड वी केप गेटिंग क्लोजर और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तानी मुझे कहते हैं कुछ पक रहा है, लेकिन ये रेस्टोरेंट तो बंद है, कहीं और कुछ पक रहा है। वो खुशबू के पीछे हम आए और हमें ये जगह मिली है एंड इट्स कम्प्लीटली पैक। इस जगह का नाम है आफ्टर यम
और इधर फ्रेश प्रॉन्स और फ्रेश सी फूड की सैलेड मिल रही है विद राइस। तो तकरीबन 250 की आई है ये प्रॉन्स की सैलेड और साथ हमने राइस भी लिए हैं इनके ट्रेडिशनल स्टिकी राइस। तो मैं ट्राई करूँगी। सो द प्रॉन्स लुक सो गुड, सो फ्रेश। लेमन लाइम डालना ज़रूरी होता है। एंड देन आई एम जस्ट गोना गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिकी राइस। सारे लोकल्स ऐसे ही खा रहे हैं, ये ऐसे रख के बाइट। मिर्चों का लेवल मैंने सबसे कम रखवाया है, लेकिन आई कैन सी कि इसमें एटलीस्ट 5 या 10 हरी और लाल मिर्चें हैं। तो थाईलैंड के लोग भी बहुत मिर्च खाना पसंद करते हैं और इसका टेस्ट टैंगी सा एक किक है फ्लेवर का। इट्स सो बैलेंस्ड और ये सॉस एक्चुअली ज़्यादा वाटरी नहीं है, इट्स लाइक रियली थिक एंड सो सो गुड, वेरी फ्रेश एज वेल। तो अब हम ये मज़ेदार सैलेड और राइस इन्जॉय करेंगे एंड देन वी आर गोना हेड टू द पटाया नाइट मार्केट। फर्स्ट शॉप जिसमें हम आए हैं इन पटाया नाइट बाजार और ये खूबसूरत किस्म का मुझे स्कर्ट मिला है। एक नहीं 15 रंग है यहाँ पे और 450 से शुरू हुई थी बहन, 380 पे आई है। मैंने कहा 200, मेरी गिविंग प्राइस 200 है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मान नहीं रही। आई थिंक तकरीबन 200-150 में ये आ जाते हैं। वैसे रियली गॉर्जियस स्कर्ट्स, दिस वन लुक्स अ बिट लाइक माइन, है ना। थाईलैंड में बहुत सारे नाइट मार्केट्स लगते हैं, नाइट बाज़ार लगते हैं, और मतलब ज़रूरी है कि आप रोज़ अपना दिन एटलीस्ट एक बाज़ार को विज़िट करके एंड करें, बिकॉज यू कैन एक्चुअली फाइंड अ रियली गुड बार्गन इन दीज प्लेसेस। और इस जो पटाया के नाइट बाज़ार पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ लगेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक फेक ब्रांड्स के बैग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंस वुमेंस किड्स क्लोथिंग, लॉट्स ऑफ हैट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे थाईलैंड की फेमस जो चीज़ें हैं लाइक फेमस शर्ट, फेमस हैट्स, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हमें मिल रही हैं। और इसका एस्थेटिक और लेआउट बैंकॉक की मार्केट से एक्चुअली बहुत अलग है। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पटाया के नाइट बाज़ार में और यहाँ पे मुझे यहाँ की थाईलैंड की मशहूर ये जो पाम ट्रीज वाली समर हॉलीडे बीची वाइब वाली जो शर्ट्स होती हैं वो नज़र आई है। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली से पिछली वीडियो जिसमें हमने शॉपिंग की थी बैंकॉक में, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स गए थे, तो उस वीडियो में मैं ढूंढ रहा था इस तरह की कोई शर्ट कि मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ मिली थी लेकिन कुछ महंगी थी और कुछ का मटेरियल मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन यहाँ पटाया में नाइट बाज़ार में जो मुझे ये मटेरियल मिला है ये बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। ये मुझे पड़ी है 200 भात की, जो कि तकरीबन 8-7 डॉलर बनते हैं, तो काफ़ी मुनासिब कीमत है। और प्रिंट बिल्कुल वैसी है, स्टाइल बिल्कुल वैसी है जैसा मैं चाह रहा था। ज़्यादा फ्लावरी है, बहुत ज़्यादा ऐसी शर्ट नहीं है जो मतलब अटेंशन सीख करे या मतलब स्ट्रीम करे अटेंशन, उस तरह का प्रिंट नहीं है। बहुत सटल सा प्रिंट है, पाम ट्रीज बने हुए हैं इसके ऊपर। और आपका बॉय जो है ये पहन के जो है ऑफिशियली अब मैं कह सकता हूँ कि मैं थाईलैंड में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो पटाया नाइट बाज़ार के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि जब से थाईलैंड हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है, हर जगह हमें मुख्तलिफ नाइट बाज़ार्स, मार्केट्स और ये सारा कल्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बिलखसूस मुझे जब हम लोग जब से पटाया पहुँचे हैं, पटाया में हम यही सोच रहे थे कि यहाँ के लोग यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में बहुत जिक्र करते हैं। सिन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, लोग यहाँ पर दूर दूर से सिर्फ क्लबिंग और इन्जॉय करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि आज हमने अपनी वीडियो में दिखाया। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना और बहुत नायाब किस्म का जो है वो टेंपल बना हुआ है, सेंचुरी ट्रूथ जो है। उसके अलावा यहाँ पे टाइगर पार्क है जहाँ पे खूब सारे टाइगर्स हैं जिनके साथ आप अप क्लोज होके खेल सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट बाज़ार कल्चर जो है वो भी बहुत मज़ेदार और बहुत बड़ा है। और ये मार्केट जो है ये इसका जीता जागता सबूत है, पटाया नाइट बाज़ार। यहाँ पे बेशुमार दुकानें हैं, हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं, बच्चों के कपड़े हों, मर्दों के कपड़े हों, औरतों के मलबूज़ात हों, यहाँ पे डेकोरेशन,
एंटीक्स हों, जूते हों, सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो दस्तियाब हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे डिफरेंट आर्ट जो यहाँ थाईलैंड का प्रोमिनेंट आर्ट है वो देखने को भी मिल रहा है। और मेरे पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ इकसाम की, मुख्तलिफ किस्मों की बेहतरीन पेंटिंग जो है वो तैयार की हुई हैं। What's the last price? 280. 280. Okay. Are you from Thailand? Thailand. You're born from... in Chiang Mai. Oh, you're born in Chiang Mai. Very hot there. Oh, Thailand is so hot. I know. Noise, sound, anything. Hot. But yeah, that's so hot. I am obsessed with dresses. जब से मैं थाईलैंड आई हूँ मेरा दिल करता है मैंने एक हर किस्म का ड्रेस खरीद लूँ, और इस वक्त मैं इनाया के लिए एक ड्रेस ले रही हूँ। वेल आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस फॉर इनाया, और इस शॉप पे बहुत सारे मुझे ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, सो आई एम गोना गो इनसाइड। बेबी ड्रेस 200 This is the best selling one. What is the one? This is good? This and this about long. Yes. How I like this. Oh, in number one. People like to show their skin here in Pattaya, right? Yeah, this is the first time I must talk this. In Pattaya, they like this. Yes, in Pattaya, they talk about this. Okay. People in Pattaya like to wear less clothes, right? Less. ड्रेस देखा तो लॉन्ग स्लीव था वो, तो उसको मैंने लड़की को पूछा कि ये पटाया के लोग मतलब ऐसे ही पहनना पसंद करते हैं, तो कहती नहीं यार ऐसे पहनना पसंद करते हैं। पटाया नाइट बाज़ार जो है हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, और पूरा बाज़ार घूमने के बाद जो हमें बात समझ आई वो ये कि ये थोड़ा सा टूरिस्टी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये पटाया में है और मेन पटाया सेंट्रल जगह पे बना हुआ है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत हैं। इसके अराउंड जो है वो सारे मेन होटल्स बने हुए हैं, तो टूरिस्टी जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस एक तो थोड़ी सी मुझे निस्बतन कंपैरेटिवली बाकी मार्केट्स के ज़्यादा लगी, और उसके अलावा वैरायटी जो है मुझे कम लगी, और वो क्वालिटी जो है वो भी वैसी नहीं लग रही जैसी कुछ जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर हमें नज़र आई थी बैंकॉक में बिलखसूस। तो अच्छी है, शर्ट मुझे मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी, उसके अलावा हमने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। हाँ, एक्सप्लोर किया हमने, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी। हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पताया वैसे भी बदनाम है दूसरी चीज़ों के लिए, तो अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको मार्केट कल्चर और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो ये जगह जो है वो टॉप पे होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। इसी नोट पे हम लोग आज की वीडियो को जो है वो एंड कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पताया की, हमने बहुत अलग रुख पताया का दिखाने की कोशिश की है इस पूरी वीडियो में, तो आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो मिलते हैं, और जब तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो हम लोग अभी पताया नाइट बाज़ार में जो है मौजूद थे, और यहाँ पे मुझे भाई मिले हैं जिनका ताल्लुक राजस्थान इंडिया से है। आपका नाम भाई? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, अच्छा माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे ग्रुप के साथ आए हुए हैं, ग्रुप की शक्ल में आए हुए हैं, और भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और भाई यही बता रहे हैं कि इनका ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी आप मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, मतलब कोई अपनी ज़बान बोलने वाला अगर आपको किसी और मुल्क में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो भाई ने दूर से पहचान लिया था, असल में हम लोग ब्लॉग बना रहे थे और एंड कर रहे थे, तो भाई पहचान कर भाई ने आके पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप मैं भाई से बोलना चाहूँगा कि कभी राजस्थान का भी आप करिए, बिल्कुल आएंगे, और ये भाई आपके लिए एनी टाइम राजस्थान में तैयार है, जब भी आप आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं राजस्थान में आकर के। बस यही यही मेहमान नवाजी है जो मेरे ख्याल से दिल जीत लेती है, बिल्कुल। हम भले हम भले बॉर्डर पे उस पार हो या इस पार हो, जी बड़ा बना हमारी, बहुत शुक्रिया। और दुआ यही है कि हम लोगों में आपस में भी जो गैप है, जो दूरी है, और अमन चैन बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, बहुत बहुत अच्छा पैगाम दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।